नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शाम के जब बजते हैं सात तो वक्त हो जाता है प्रदेश और देश की उस हलचल को जानने का जिसने पूरे मुल्क की तस्वीर और तासीर बदल कर रख दी। और जब बात तस्वीर की होती है तो सबसे पहले हम सात की बात में वो सात तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में भी असर डाला। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा जोरों पर, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जमकर हंगामा हुआ। तो दूसरी तरफ देश के लिए अच्छी खबर आई है, देश को पांचवी वैक्सीन मिलने जा रही है। तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्र सरकार एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, लेकिन मुंबई अधिकारियों की गुंडागर्दी कम नहीं हो रही। तो वहीं पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है और आज सात की बात में इन्हीं तस्वीरों की तासीर पर बात होगी। और चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं इन सात तस्वीरों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले एक दो दिन में विस्तार किया जा सकता है ये फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले पांच साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इसके अलावा सर्बानंद सोनेवाला को भी मौका मिल सकता है। उन्होंने असम में बीजेपी को जीत दिलाकर हेमंत बिस्वा सरमा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की राह बनाई थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है, यानी कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अभी नौ मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि किसकी होगी छुट्टी और किसको मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अगली दूसरी खबर का। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से नए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से चुनाव के बाद हुई हिंसा के मसले पर सदन में जमकर नारेबाजी होने लगी। बीजेपी नेताओं द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए गए। नारेबाजी करने के बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण के साथ विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार राज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। गौरतलब है कि 2 जुलाई को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से हुई। यह सत्र 8 जुलाई तक ही चलेगा। 7 जुलाई को राज्य सरकार का बजट पेश किया जाना है। दरअसल राज्यपाल को जो भाषण देना था वो राज्य सरकार ही तैयार करती है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने भाषण के कमेंट पर आपत्ति जाहिर की थी, माफ कीजिएगा कंटेंट पर। सूत्रों की माने तो राज्यपाल अपने संबोधन में बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने साफ किया कि संबोधन कैबिनेट से पास हो चुका है। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक संबोधन में राज्यपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसे खुद राज्यपाल ने नकारा था। गौर करने वाली बात यह होगी कि बीजेपी से टीएमसी में आए मुकुल रॉय किस ओर बैठते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है, लेकिन वो अब भी बीजेपी से ही चुने हुए विधायक हैं। और अगली तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे साथ की बात में। देश दुनिया कोरोना से उभरने की कोशिश कर रही है, ये थोड़ी सी राहत देने वाली है। और इसी कड़ी में भारत से लेकर तमाम देशों में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के बाद अब चर्चाएं गर्म हैं कि एक और वैक्सीन भारत में आ रही है। दरअसल जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से मंजूरी मांगी है। और खास बात यह है कि यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसका सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का प्लान है।
ज़ाइकोव डी को मंजूरी मिलती है तो ये देश में पांचवी अप्रूव्ड वैक्सीन होगी। दो दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को कोरोना वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिला था। ज़ाइकोव डी के फेज 3 ट्रायल 28,000 लोगों पर किए गए थे। इनमें 1,000 ऐसे हैं जिनकी उम्र 12 से 18 साल थी। कंपनी ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान ये ट्रायल किए थे। जायडस कैडिला का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी काफी प्रभावी है। भारत में अभी लगाई जा रही वैक्सीन डबल डोज है, वहीं जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन भी है जो आने वाले महीनों में भारत में आ सकती है। लेकिन ज़ाइकोव डी वैक्सीन इन सभी से अलग है। इस भारतीय वैक्सीन के एक या दो नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। ज़ाइकोव डी एक DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है। ये वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिनेट मटेरियल का इस्तेमाल करती है। ये हम इस वैक्सीन के बारे में आपको बता रहे हैं। जिस तरह अमेरिका समेत कई देशों में लग रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए mRNA का इस्तेमाल करती है, उसी तरह ये प्लाज्मिड DNA का इस्तेमाल करती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा कि जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जाए जिससे आने वाले कोरोना संकट से लोगों को बचाया जा सके, जो एक हद तक ठीक भी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता से वैक्सीन पर ओछी राजनीति न करने की अपील की है। राहुल गांधी के वैक्सीन वाले ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब देते हुए कहा, स्टालिन, कल ही मैंने जुलाई महीने में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी है। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या वो समझते नहीं है? अहंकार और अज्ञानता के वारस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व और पार्टी संभालने पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार कर दिया। गोयल ने लिखा, वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जुलाई महीने में उपलब्ध होंगी जो प्राइवेट अस्पतालों की आपूर्ति से अलग है। राज्य को 15 दिन पहले ही आपूर्ति के बारे में सूचना दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन उचित नहीं है। साथ ही बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अगुवाई में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा है। पिछले 11 दिनों में औसतन 62 लाख वैक्सीन हर दिन लगाई जा रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है, राहुल गांधी को सद्बुद्धि कब आएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नफरत का मोतिया बिंद है और यह आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है जब से वैक्सीन भारत में आई है और जब से वैक्सीनेशन चल रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में जबरदस्त कहर बरपाया था। शायद इस लहर से कोई अछूता रह पाया हो। ना जाने कितनों ने अपनों को खो दिया, ना जाने कितने शवों को कंधे नसीब नहीं हुए, लेकिन इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मामला ऐसा आया जहां 75 दिनों से मोर्चरी में रखे नरेश का शव अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम नरेश के शव को उसके परिजनों को देने के लिए ढूंढने में दिन रात एक किए हुए थी। वहीं गुरुवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की शव के वारिसों की तलाश खत्म हो गई और शव का अंतिम संस्कार उनके परिजन और स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में स्वर्ग आश्रम रोड स्थित शमशान घाट में कर दिया गया। दरअसल 15 अप्रैल 2021 को इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद नरेश के बड़े भाई विजय का कहना है कि डॉक्टरों ने शव देने की एवज में विजय से 15,000 रुपए की मांग की। आगे आप खुद ही सुनिएगा कि क्या कुछ कहा उसने। ऐसा था कि एक मरीज यहाँ पे कोई था, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ था, जिसको उनका भाई वहाँ ले गए थे मेरठ। मेरठ में इनका भाई इनको छोड़ के, जैसे पता चला कोरोना का मरीज है, इसको वहाँ से छोड़ के चला गया था, किंतु इलाज के दौरान रियासत के बाद बचाने के बाद डेथ हो गई थी। जब कोई बॉडी को वहाँ लेने नहीं आया तो उसकी सूचना हमारे CMO कार्यालय में CMO मैम को मिली, तो CMO मैम ने वहाँ से उस बॉडी को मंगवा कर यहाँ GS मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दी गई और इनके परिवारजनों को ढूंढना शुरू कर दिया गया। काफ़ी प्रयास किए गए, जो नंबर हमारे पास था वो नहीं प्राप्त हुआ, किंतु जब प्रशासन और पुलिस की मदद ली गई तो पुलिस ने पूरी तहकीकात करके
और इनके सर्विलेंस पे लगा के तब ये जाके पता चला कि ये लोग इसको छोड़ के मतलब बिहार जा चुके हैं। अब इनके परिवार में संपर्क करके इन्हें बुलाया गया और उस बॉडी को इन्हें हैंड ओवर कर दिया गया है। उनकी तबीयत खराब थी जी, सरकारी में ले गए थे 13 तारीख में, सरकारी में हापुड़ में दिखाए थे, सरकारी में उसमें कहीं कोरोना नहीं था। हाँ। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिए मेरठ के लिए। हाँ। मेरठ में 13 ठीक थे, 14 ठीक थे। हाँ। 15 तारीख को 1:30 बजे रात में ले गए, बता दिए कोरोना है। हाँ। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खाए, पानी पिए, बात किए। हाँ। वो सो रहे थे। हाँ। उन्हें एकदम कोरोना बता के ले गए। 6 बजे हम वहाँ से निकले, जैसे हमारे पास कॉल कर दिए वो तो खत्म हो गए। हाँ। हमने गुरुद्वारे में पैर भी रखी बस। हाँ। उन्होंने फोन कर दी, वो तो खत्म हो गए। हम वहाँ पे जाके जैसे मतलब बॉडी मांगने लगे। हाँ। तो बॉडी को उन्होंने पैसे मांगने लगे, कह रहे हैं 15,000 रुपए चाहिए, जो बॉडी चाहिए। तो थाना देहात पुलिस ने नरेश जहां किराए पर रहता था वहां पहुंची और उसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि नरेश के परिजन आर्थिक तंगी और किराए का पैसा नहीं दे पाने के कारण अपने गृह जनपद बस्ती के गांव नागपुर चले गए। वहीं पुलिस ने अब 70 दिनों बाद बस्ती में उसके परिजनों से संपर्क साधा और सारे घटना की सूचना उनके परिजनों को दी। नरेश का शव आज भी मोर्चरी में रखा हुआ है और वो उसका अंतिम संस्कार के लिए वो शव को ले जाए जाने के लिए लगातार बात करते रहे। आखिरकार अब जाकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। अधिकारियों की गुंडागर्दी दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन अधिकारियों की गुंडागर्दी से जुड़े कई मामले देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसा एक मामला मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में देखने को मिला, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गुंडागर्दी देखने को मिली। गरीब सब्जी वाला ठेले पर सब्जी बेच रहा था, तभी पुलिस और म्युनिसिपल के लोग वहां पर पहुंचे और सबसे पहले ठेले से सारी सब्जी हटा दी, यानी कि फेंक दी। इतने पर भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों के साथ आए लोगों ने सब्जी वाले का ठेला हथौड़े से मार मारकर पूरी तरह से तोड़ दिया। जब ये पूरा मामला मीरा भाईंदर म्युनिसिपल के पास पहुंचा तो अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। आप खुद ही देख लीजिए तस्वीरों में किस तरह से गरीब पर कहर बरपा रहे हैं अधिकारी। वायरल हो रहे इस वीडियो में सब्जी वाला लगातार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी का वास्ता देता रहा, मगर पुलिस और मनपा के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने गरीब की सब्जी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। गौरतलब है कि इसी रोड पर कई बड़े नेता और अधिकारी कोविड नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित मनपा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और साथ की बात में हमारी आखिरी खबर है प्रचंड गर्मी को लेकर, क्योंकि इस वक्त हर कोई त्राही माम कर रहा है इस गर्मी से। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आज भी यूपी और दिल्ली समेत कई राज्य को भयानक लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अगले 2 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। यानी कि ये जो राज्य हैं यहाँ पर आने वाले समय में भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इन स्थानों पर चिलचिलाती धूप गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल 90 साल के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में बिजली की मांग बढ़ गई है। IMD ने कहा है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 7 जुलाई से पहले बारिश होने की कोई संभावना ही नहीं है। जुलाई की शुरुआती 15 दिनों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से उत्तरी मैदान इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में पहुँच गया है। तो साथ की बात में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ जो सीधे आपसे रूबरू होती हैं।